वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने जा रही है हमारी शिबा इनू कॉइन के बारे में, क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या हमें मार्केट कहां तक जाते हुए दिखाई दे रही है, क्या ये अभी मार्केट बुलिश जा रही है, क्या इस वक्त हमें कुछ और ज़्यादा न्यू टाइम हाई देखने को मिलेगा, और कौन सी न्यूज़ वगैरह निकल के आती है हमारे फेवरेट कॉइन शिबा इनू के हवाले से। तो ये सारी बातें होंगी शिबा इनू कॉइन के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। जैसे कि आप जानते हैं कि शिबा के बारे में तो हम छोड़ें थोड़ी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी मार्केट का हवाला लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही अक्टूबर आया है तो हमें सारी मार्केट बुलिश देखने को मिली है, एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखने को मिला है, जो एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। क्योंकि इस सारी सब कुछ की हम उम्मीदें लगाए बैठे थे सेप्टेम्बर के मंथ में, भाई हमें सेप्टेम्बर के मंथ में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सेप्टेम्बर का मंथ क्रिप्टो के हवाले से मेरे हिसाब से कुछ अच्छा खासा नहीं गुजरा। लेकिन अक्टूबर का जैसे ही मंथ आया तो हमें बहुत अच्छा कुछ देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि ओके, तो अब हम BTC की बात करें तो BTC हमें तकरीबन 0.43% गेन देखने को मिला है 24 आवर्स में, और 7 डे में हमें तकरीबन 40.08% गेन देखने को मिला है। अभी करंट प्राइस BTC की चल रही है तकरीबन 47,948.61। ओके, और अगर हम Ethereum की बात करें तो 3.83% हमें गेन देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा गेन देखने को मिला है, और 7 दिनों में हमें तकरीबन 20.29% गेन देखने को मिला है, ये बहुत ही एक बड़ा गेन देखने को मिला है 7 दिन के हिसाब से। और इसकी करंट प्राइस चल रही है 3,404.99%, ओके डॉलर सॉरी। और कार्डानो ADA की बात करें तो तकरीबन 2.63% चल रहा है, और करंट प्राइस 1.77% चल रही है, सॉरी प्राइस नहीं 7.77% 7 वीकली हिसाब से गेन हुआ है कार्डानो हमारा। और अगर हम बात करें BNB की, वो तकरीबन $430.464 पे चल रहा है, वो तकरीबन उसने 24 घंटों में 3.82% गेन किया है, और 7 दिनों में तकरीबन 26.90% इसने गेन किया है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना का बात ही कुछ और है, क्योंकि सोलाना ने हमें तकरीबन 32.03% गेन हासिल किया है, और तकरीबन इसका करंट जो 24 घंटों में तकरीबन 9.59% चल रहा है, और इसकी अभी करंट प्राइस चल रही है $172.19 चल रही है। ये बहुत ही अच्छी प्राइस चल रही है और बहुत ही अच्छा पंप देखने को मिला है इस हफ्ते सोलाना में। और दूसरा हमारे टेरा लूना की बात करें तो उसने भी बहुत ही अच्छा गेन दिया है तकरीबन 20.33%, और 24 घंटों में इसने बहुत अच्छा बड़ा गेन मिकदार गेन किया है, और 7 दिन के हिसाब से बात करें तो 27.77% गेन किया। लेकिन यहाँ पे आप बात करो ना, 20% इसने सिर्फ 24 घंटों में गेन किया है, और करंट प्राइस इसकी चल रही है 45.23%, जो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और तो हम चलते हैं शिबा इनू की तरफ, क्योंकि हमें सिर्फ शिबा इनू की ही बात करनी है। तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू के बारे में मैं आपको कुछ न्यूज़ शेयर करूँ, इससे पहले हम शिबा इनू का चार्ट देखेंगे। शिबा इनू की करंट प्राइस चल रही है 0.000804Q चल रही है, और तकरीबन ये 7.45% गेन हुआ है, ये बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिला है। और इसका BTC के पेयर के हिसाब से भी हमें तकरीबन 6.97% गेन देखने को मिला है, और Ethereum के पेयर के हिसाब से भी हमें 3.38% गेन देखने को मिला है, ये अच्छा गेन देखने को मिला है। अभी हम देखते हैं, हम उम्मीदें तो अच्छी लगाए बैठे हैं भाई, ये हमारा बहुत ही आगे जाने वाला है इस मंथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्राफ में भी देखें तो बहुत ही अच्छा गेन किया है तकरीबन, ये तकरीबन 7502 से गेन हुआ है यहाँ तक कि इसने तकरीबन अपना ज़्यादा ऊंचा गया था 81.82, और फिर अभी करंट प्राइस में तकरीबन चल रहा है 8112 पे चल रहा है। तो यही तो बात है शिबा इनू की, तकरीबन अब 24 घंटों में इसकी प्राइस तकरीबन 7.58% गेन हुई है, और इसने तकरीबन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है 70.51%, ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है। और अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप पर इसकी रैंकिंग निकल के आती है 47, बहुत ही अच्छी रैंकिंग चल रही है, क्योंकि अभी इसको और भी ग्रो होना है, इनके NFTs लॉन्च हो जाए तो हमें बहुत अच्छा बूम देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि NFT एक बड़ी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा काफ़ी कुछ दूसरी बात ये निकल के आती है कि आप जानते हैं कि सेप्टेम्बर के महीने में हमने बहुत सेप्टेम्बर के महीने में हमने बहुत अच्छी उम्मीदें लगाई हुई थी शिबा इनू से, क्योंकि शिबा इनू में बहुत अच्छे खासे गेन में देखने को मिला था, लेकिन सेप्टेम्बर के महीने में हमें कोई भी रॉबिन हो उसमें लिस्टिंग के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन जैसे अक्टूबर में किसी ने बंदे ने एक ट्वीट शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप जानते हैं कि सातोशी कुसामा जो इनके ऑफिशियल CEO हैं, जो इसे लीड करते हैं, उसने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है एज ए गिफ्ट के तरीके से। आप जानते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IBT के ने किसी ने आर्टिकल कोई पब्लिश किया था, तो उसी हवाले से ये न्यूज़ निकल के आती है रॉबिन हुड की लिस्टिंग में।
उम्मीदें तो यही लगाई जा रही है कि अक्टूबर में हमें इसकी लिस्टिंग मिले। आप देख सकते हैं लिखा हुआ शिबा इनू लोडेड ऑन रॉबिनहुड ऐप, अनाउंसमेंट टू बी मेड सून अबाउट लिस्टिंग, यानी इनकी जल्दी अनाउंसमेंट की जाएगी लिस्टिंग के हवाले से। आप देखते हैं कि अभी हमें और आगे क्या देखने को मिल सकता है इस हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली मिल्क शेक ने भी एक ट्वीट शेयर की थी कि आई नो यू आर वॉचिंग अस ऑन रॉबिनहुड ऐप। इट मीन कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है शिबा के बारे में। अब फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। 3 दिन में आप जानते हैं कि सोल जैसा कॉइन तकरीबन 7 दिन में 30% गेन कर सकता है, तो हमें अब बहुत अच्छी उम्मीदें लगानी चाहिए मार्केट के हवाले से। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा भाई, आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह नहीं होते। हम जो न्यूज़ वगैरह निकल के आती है सिर्फ वही न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आप थोड़ी बहुत उसमें अपनी रिसर्च कर लिया करें, फिर जाके किसी कॉइन पे अपना पैसा लगाया करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो यही था आज की इस वीडियो में। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सकें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। पीस।